हेलो डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टुडे इन दिस माय ऑनलाइन क्लास। टुडे फॉर क्लास 10 इंग्लिश प्रो चैप्टर 2 ए लेटर टू गॉड। बिफोर इट यू हैव रीड विद इन 5th पैराग्राफ सम क्विप्स। अरे बच्चों, आज कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का मैं इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पैरा 5th के कुछ क्विप्स को देखा था, कुछ पंक्तियों को देखा था। आज आइए वहीं से हम शुरू करते हैं। आप लोगों ने बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा था कि उस संपूर्ण घाटी में जो उन एकांत घरों में रहा करते थे, उन लोगों के हृदय में केवल एक ही आशा थी और वह आशा क्या थी कि ईश्वर से मदद। आइए अब हम यहाँ से देखते हैं। Do not be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. Do not be, मत हो, so इतना ज़्यादा upset माने परेशान, even though यद्यपि, this माने यह, seems माने looks, दिखती है, प्रतीत होती है, like माने तरह, a total माने whole, संपूर्ण, loss माने हान। Do not be so upset, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, even though, यद्यपि, this seems like a total loss, यह संपूर्ण हानि प्रतीत होती है, फिर भी remember, याद रखो, no one, कोई भी नहीं dies, मरता है आप हंगर माने भूख से। Remember, हमेशा याद रखिए, no one dies of hunger, कोई भी व्यक्ति भूखों नहीं मरता है। That is what they say, no one dies of hunger. That is, यही वह बात है। What माने जो, they माने वे, से माने कहते हैं। No one, कोई नहीं, dies मरता है of hunger, भूख से। That is what they say, यही वे बातें हैं जिन्हें वे लोग कहते हैं कि no one dies of hunger, कोई भी व्यक्ति भूखों नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscious. All through sampurna the night माने रात्रि, Lencho thought माने सोचा, only माने केवल, of his माने अपने, one hope माने एक आशा, the help of God, ईश्वर की मदद, हुज माने जिनकी, आइज माने आँखें, आइज माने जैसा कि ही माने वह, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, दिशा निर्देशित किया गया था, सी माने देखती हैं, एवरीथिंग माने हर एक चीज़, इवन माने यद्यपि, व्हाट माने जो, इज है, डीप माने गहराया, छिपा हुआ होना, इन वंस माने किसी भी व्यक्ति के, कॉन्शियंस मीन्स होता है इनर सूल, अंतर आत्मा। ऑल थ्रू द नाइट, संपूर्ण रात, Lencho thought only one, only of his one hope, Lencho केवल अपने एक आशा के विषय में सोचा, वह थी the help of God, ईश्वर की मदद, whose eyes, जिनकी आँखें, किनकी आँखें, ईश्वर की आँखें, As he had been instructed, जैसा कि उसे बताया गया था, समझाया गया था, सिखाया गया था, see everything, हर एक चीज़ को देखती हैं, even what is deep in one's conscious, कि जो कुछ भी किसी भी व्यक्ति की अंतरात्मा में छिपी हुई होती है। Lencho was an ox of a man working like an animals in the fields, but still he knew how to write. Lencho was था an ox, एक आदमी, एक बैल जैसा, of a man, आदमी, working माने कार्य करता था, like माने तरह, an animal माने एक जानवर की, in the fields माने खेतों में। Lencho was an ox of a man, Lencho एक बैल की प्रवृत्ति का आदमी था, working like an animal in the fields, खेतों में जानवरों की, एक जानवर की भांति काम करता था,
बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी कैसे लिखा जाता है यह वह यानी लेंचो जानता था, लेकिन लिखना लेंचो जानता था। द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को एट डे ब्रेक प्रातःकाल ही वह बिगन माने शुरू कर दिया, टू राइट माने लिखना, लेटर पत्र बीच माने जिसको ही माने वह हिमसेल्फ स्वतः उड कैरी ले जाएगा, टू टाउन माने नगर को, एंड और प्लेस्ड माने डाल देगा, इन द मेल माने डखाने। द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को यानी जो आने वाला रविवार है, एट डे ब्रेक प्रातःकाल ही बिगन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ उड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं नगर में ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल और इसे डाक खाने में डालेगा। आइए, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। इट यह वाज था, नथिंग माने नहीं, लेस माने कम, देन अपेक्षा, ए लेटर एक पत्र, टू गॉड माने ईश्वर के नाम का। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर के नाम एक पत्र से थोड़ा भी कम नहीं था। गॉड, यू नो व्हेन एनीबॉडी वांट टू राइट एनी लेटर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू राइट सैल्यूटेशन, संबोधन। अगर कोई लेटर लिखता है तो सबसे पहले ऊपर संबोधन लिखा जाता है, किसके नाम आप भेज रहे हैं, तो ऊपर लिखा उसने गॉड इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, हे ईश्वर, ही रोट, वह लिखा। इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। If माने यदि, you माने आप, do not नहीं, help माने मदद करते हैं, me माने मेरी, तो my माने मेरा, family माने परिवार, and और I माने मैं, will माने गागेगी, go hungry माने भूखों मर जाना, this year माने इस वर्ष। If you do not help me, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, तो my family and I will go hungry this year, तो मेरा परिवार तथा मैं इस वर्ष भूखों मर जाएंगे। I need 100 pieces, pieces ए टाइप्स ऑफ मनी, आप रुपया समझिए, मैंने 100 रुपये, 100 pieces। मुझे नीड आवश्यकता है 100 pieces, 100 पीसों की, इन ऑर्डर के क्रम में, टू सो माने बोना, माई माने मेरे, फील्ड माने खेत को, अगेन माने दोबारा, एंड माने और, टू लिव माने जीवन यापन करना, अंटिल माने जब तक कि, द क्राप माने फसल, कम्स माने आना, बिकॉज क्योंकि, द हाईएस्ट स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड माई ऑल द क्राप्स। गॉड ही रूट, हे ईश्वर, उसने लिखा, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं तथा मेरा परिवार इस वर्ष भूखों मर जाएगा। आई नीड 100 pieces इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, इसलिए मेरी अगली फसल को दोबारा बोने तथा जब तक अगली फसल तैयार नहीं हो जाती है तब तक के जीवन यापन के लिए मुझे 100 pieces की आवश्यकता है, बिकॉज क्योंकि द हायल स्टार यानी ओलों ने मेरी फसल को नष्ट कर दिया है। राइटर ने लेंचो ने क्या लिखा कि हे ईश्वर, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस वर्ष मैं तथा मेरा पूरा परिवार भूखों मर जाएगा, इसलिए अगली फसल को बोने तथा जब तक वह फसल तैयार नहीं हो जाती है तब तक के जीवन यापन के लिए मुझे 100 pieces की आवश्यकता है, क्योंकि ओलों ने मेरे संपूर्ण फसल को बर्बाद कर दिया है, संपूर्ण फसल को नष्ट कर दिया है। आगे चलते हैं, He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. He माने वह wrote लिखा to God, ईश्वर, ऊपर लिखा He wrote, उसने लिखा to God, ईश्वर,
ऑन द एनवेलप लिफाफे पर पुट माने रखा, द लेटर माने पत्र को इनसाइड अंदर एंड और स्टिल माने फिर भी, ट्रबल्ड माने परेशान था, वेंट माने गया, टू टाउन माने नगर में कस्बे में शहर में। ही रोड टू गार्ड उसने लिखा, ही रोड टू गार्ड ऑन द एनवेलप वह लिफाफे के ऊपर लिखा ईश्वर। पुट द लेटर इन साइड पत्र को अंदर की तरफ रखा, एंड स्टिल ट्रबुल्ड और अब भी वह परेशान था, वेंट टू टाउन वह शहर में नगर में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट, देखिए यहाँ इन नहीं है, इट इन टू द मेल बॉक्स। एट द पोस्ट ऑफिस डाकखाने पर ही माने वह प्लेस्ड माने चिपकाया, ए स्टम्प माने एक टिकट, ऑन द लेटर पत्र पर, एंड और ड्राफ्ट माने डाल दिया, गिरा दिया, इट माने इसे, यहाँ इन लिखा है, आप इसे आई टी कर लीजिएगा, इट इसे, इनटू माने में, द मेल बॉक्स माने डाकखाने में। एट द पोस्ट ऑफिस डाकखाने पर ही प्लेस्ड ए स्टम्प ऑन द लेटर वह पत्र पर एक टिकट चिपकाया, एंड ड्राफ्ट इट इनटू द मेल बॉक्स और इसे डाकखाने में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वन माने एक, ऑफ द एम्प्लॉय माने कर्मचारी, हु माने जो, वाज माने था, ए पोस्टमैन माने एक डाकिया, एंड और आल्सो भी हेल्प माने मदद करता था, एट पोस्ट ऑफिस माने डाकखाने में, वेंट माने गया, टू हिज बॉस, बॉस माने अपने से उच्च पद पर आसीन कर्मचारी जिसे आप डाक अधीक्षक कह सकते हैं, माने अपने बॉस के पास, लाफिंग हंसते हुए, हार्टली माने दिल खोलकर, एंड और शोड माने दिखाया, हिम माने उसको, द लेटर टू गॉड माने ईश्वर के नाम पत्र। वन ऑफ द एम्प्लॉइज एक कर्मचारी हु वाज ए पोस्टमैन जो कि एक डाकिये का काम करता था, जो कि एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस और डाकखाने में कुछ मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली वह अपने से उच्च पद पर आसीन कर्मचारी के पास दिल खोलकर हंसते हुए गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड और उसे ईश्वर के नाम पत्र को दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address. Never माने कभी नहीं, in his career अपने पूरे जीवन चक्र में, पूरे जीवन काल में, as a postman डाकिये के रूप में, had he वह known माने जानता था या जाना, that address माने उस पते को। Never in his career as a postman अपने डाकिये के कार्यकाल में, अपने डाकिये के पद पर पूरे कार्यकाल में, हैड नोन दैट एड्रेस वह इस पते को कभी नहीं जाना। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमेडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। Never in his career as a postman had he known that address. वह अपने डाकिये के पूरे कार्यकाल में कभी भी इस पते को नहीं जानता था, नहीं जाना। The postmaster, डाक अधीक्षक, a fat, एक मोटा, amiable fellow, मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाला साथी, also माने भी, broke out laughing, ठठा कर हंसना, दिल खोल कर हंसना। बट लेकिन अलमोस्ट अधिकांश इमेडिएटली तुरंत ही माने वह टर्न्ड सीरियस माने गंभीर हुआ एंड और टाइपिंग माने थपथपाते हुए द लेटर माने पत्र को ऑन हिज अपने डेस्क माने जो डेस्क बना होता है कमेंटेड माने टिप्पणी किया। द पोस्ट मास्टर डाक अधीक्षक ए फैट एमिएबल फेलो जो कि एक मोटा तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाला आदमी था आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग वह भी ठठा कर या दिल खोल कर हंसा बट ऑलमोस्ट इमेडिएटली ही टर्न सीरियस लेकिन तुरंत वह थोड़ा गंभीर हुआ एंड पैटिंग द लेटर
एंड पैटिंग द लेटर ऑन पैटिंग थपथपाते हुए द लेटर पत्र को ऑन हिज डेस्क अपने मेज पर कमेंटेड माने बोला या टिप्पणी किया। द पोस्ट मास्टर डाक अधीक्षक ए फैट एमिएबल फेलो जो कि एक मोटा तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाला आदमी था आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग वह भी दिल खोल कर हंसा बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस लेकिन तुरंत वह गंभीर हो गया एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क और डेस्क पर रखे हुए पत्र पर थपथपाते हुए कमेंटेड कहा या टिप्पणी किया। तो इस तरह से इस पांचवें पैराग्राफ का आप लोगों ने अर्थ देखा। मुझे विश्वास है कि आपको इसका एक्सप्लेन समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आपने संदेह मुझसे कांटेक्ट करिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में अपने कंप्लेन सेंड करिएगा, मैं उसे उसका निवारण करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।